नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना के चिड़ियाघर में मौजूद मछली घर के बारे में। पटना का चिड़ियाघर अपने पास मिनी जंगल को समाये हुए है, जो में आपको हर तरह के जानवरों को देखने को मिल जाएंगे। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना जू के मछली घर के बारे में। हालांकि मछली घर में जाने के लिए आपको गेट पर मात्र 10 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको अंदर जाने के लिए एंट्री मिलेगी। मछली घर के अंदर एक्वेरियम में मछलियों की लगभग 35 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है। जैसे ही आप मछली घर के अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको पेंटिंग से सजी हुई दीवारें मिलेंगी। मछली घर में आपको स्ट्रिंगर मछली, सिल्वर अरुवाना, पेरेंट टिम्पल बार्ब एंड अल्बिनो टिम्पल बार्ब, अल्बिनो सेनेगल और डॉल्फिन, रेड ज्वेल, ग्रीन टेक्सस, मिल्की कार्प, प्रिंटेड कार्प, एलिगेटर गर, फ्लावर हॉर्न, मिक्स कलरफुल शी शील्ड, डिस्क मॉली, अल्बिनो ऑस्कर, रोसी बार्ब, रेनबो शार्क, पिराना एंड क्रोकटाइल, ब्लैक टाइगर शार्क, अल्बिनो टाइगर शार्क, टॉर्टोइज एंड अल्बिनो क्रोकोडाइल, कलिको गोल्ड, शुभम किंग, अल्बिनो पिरानो, बबल आई, कॉपर ऑस्कर, रेड कैप ओरेंडा, जेब्रा शील्ड, ब्लैक ऑस्कर, ब्लू ओरेटिस, एंजल फिश, ग्रीन विडो, सर्फी ट्रेटा, किसिंग फिश समेत कई तरह की मछलियां देखने को मिलेंगी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रिंगरे फिश के बारे में। स्ट्रिंगरे समुद्री किरणों का एक समूह है, जो शार्क से संबंधित कार्टिलेजिनस मछली है। स्ट्रिंगरेज आमतौर पर आक्रामक नहीं होते हैं और आमतौर पर केवल उकसाए जाने पर मनुष्यों पर हमला करते हैं। जैसा कि जब कोई गलती से उसकी तरफ कदम रख देता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे सिल्वर एरोवाना की। सिल्वर एरोवाना एक दक्षिण अमेरिकी मीठे पानी की बोनी मछली है। सिल्वर एरोवाना को कभी कभी एक्वेरियम में रखा जाता है, लेकिन वो शिकारी होते हैं और एक बहुत बड़े टैंक की आवश्यकता होती है। अब बात करेंगे पैरट फिश की। पैरट फिश लगभग 95 मछली प्रजातियों का एक समूह है, जिन्हें एक परिवार के रूप में माना जाता है या एक उप समुच्चय के रूप में माना जाता है। लगभग 95 प्रजातियों के साथ इस समूह की सबसे बड़ी प्रजाति समृद्धि इंडो पैसिफिक में है। अब हम बात करेंगे अल्बिनो सेनेगल और डॉल्फिन की। लॉन्गफिन अल्बिनो सेनेगल विचर एक बहुत ही प्रिय और अक्सर रखी जाने वाली आकर्षक प्राचीन प्रजातियों का एक दुर्लभ संस्करण है, जो ऑडबॉल मछली मछली घर का एक प्रधान है। वहीं डॉल्फिन जलीय संधारियों का एक सामान्य नाम है। डॉल्फिन को आपने गंगा घाट में भी देखा होगा। अब बात करेंगे रेड ज्वेल फिश के बारे में। यह अफ्रीका से नाता रखने वाली मछली होती है। ये बेहद ही खूबसूरत मछलियों की श्रेणी में आती है। ये काफी गुस्सैल होती है, इसलिए उन्हें अक्सर सिंगल टैंक में रखा जाता है। इसके साथ ही दूसरी मछलियों को भी उनके साथ नहीं रखा जाता है। अब बात करेंगे ग्रीन टेक्सास के बारे में। ग्रीन टेक्सास फिश अमेरिकन मछलियां होती हैं, जो बहुत अग्रेसिव होती हैं। ये लगभग 2 साल के अंदर ही 1 फीट तक लंबी हो जाती हैं, इसलिए इन्हें बड़े एक्वेरियम में रखा जाता है। हालांकि एक्वेरियम में इन मछलियों के साथ अन्य छोटी मछलियों को नहीं रखने की नसीहत दी जाती है। अब हम बात करेंगे मिल्की कार्प की। ये बहुत ही सेंसिटिव मछलियां होती हैं। इन मछलियों को बड़े एक्वेरियम में रखा जाता है, क्योंकि ये मछलियां बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। 2-3 फीट की ये मछलियां उछल सकती हैं। इतना ही नहीं, इन मछलियों को सूर्य की रोशनी से भी परेशानी होती है। ये मछलियां काफी जल्दी बीमार हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे एलिगेटर गर फिश के बारे में। इन मछलियों की जीवन सीमा 26 से 50 साल की होती है। इनकी लंबाई भी लगभग 10 फीट तक हो सकती है। अब बात फ्लावर हॉर्न फिश की। फ्लावर हॉर्न फिश सजावटी एक्वेरियम मछली है, जो अपने ज्वलंत रंगों और विशिष्ट रूप से आकार वाले सिर के लिए जानी जाती है। इसके लिए वे नामित है। फ्लावर हॉर्न पहली बार 1990 के दशक के अंत में मलेशिया के एक्वेरियम बाजार में बिक्री के लिए उभरे और जल्द ही एशिया के कई देशों में लोकप्रिय हो गए थे। अब बात डिस्कस फिश की। डिस्कस फिश के मेल और फीमेल में आप कोई अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे। ये मछलियां मलेशिया में मिलती हैं। इन मछलियों को एक्वेरियम का राजा कहा जाता है। इन मछलियों को केवल साफ पानी की ही दरकार होती है। अच्छा भोजन और नॉर्मल टेम्परेचर में वो आसानी से रह सकते हैं। अब बात मौली फिश की। आपको बता दें, मौली फिश सीधा बेबी फिश प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। मौली फिश ओमनिवोरस होती है, यानी कि वो वेज और नॉन वेज दोनों आसानी से खा सकती है। ये मछलियाँ काफी मशहूर मछलियाँ होती हैं, जो आसानी से कम दाम में मिल जाती है। ये फ्रेश और सॉल्ट वाटर दोनों में रहने में सक्षम होती है। अब बात अल्बिनो ऑस्कर की। ऑस्कर फिश की सभी प्रजातियाँ काफी बड़ी मानी जाती है, इसलिए इन प्रजातियों की मछलियों के लिए बड़े बैंक
का इस्तेमाल होता है, इसलिए इन प्रजाति की मछलियों के लिए बड़े टैंक का इस्तेमाल होता है। उन्हें ठंडा पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। साफ पानी में ये मछलियाँ ज्यादा अच्छे से रहती हैं। ये मछलियाँ फल सब्जी कुछ भी खा सकती हैं और आजकल अग्रेसिव नेचर के होते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो के साथ मछली घर में मौजूद और भी मछलियों के बारे में आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।